नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री कल पाकुड़ में मैया सम्मान योजना का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 अगस्त को पाकुड़ जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आगाज करेंगे। इसी दिन वे महिला लाभुकों के खाते में DBT के माध्यम से 1,000 रुपये की सम्मान राशि भेजेंगे। CM शनिवार को अपने आवासीय कार्यालय में सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि अधिकारी आवेदनों और स्वीकृति समेत बैंक खाते में राशि भेजने की जानकारी लाभुकों को SMS से दे, खाते में हर महीने की तय तारीख तक समान राशि भेजे। इसमें कोई विलंब नहीं होनी चाहिए। महिला लाभुकों के खाते में हर महीने योजना की समान राशि हस्तांतरित होनी चाहिए। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव एल खियागते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार तथा सूचना प्रौद्योगिकी सचिव विप्रा भाल उपस्थित थे। झारखंड में डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी आज रहेंगे हड़ताल पर। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में शनिवार को राज्य भर के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल शनिवार की सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। IMA के प्रदेश सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह ने बताया है कि सरकारी निजी अस्पताल समेत सभी क्लिनिकों के करीब 16,000 डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी इसमें शामिल होंगे। OPD समेत ऑपरेशन ठप रहेगी, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं IMA के अनुसार शनिवार के हड़ताल के कारण 40,000 से अधिक मरीजों का इलाज प्रभावित होगा। सभी जिलों के सिर्फ सदर अस्पताल में ही औसतन 1 से 1,500 मरीज पहुंचते हैं। वहीं रिम्स में रोज 2,000 मरीज OPD परामर्श लेने पहुंचते हैं। झारखंड में 2 सितंबर को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। डीलर कमीशन बढ़ाने और वैट घटाने की मांग को लेकर 2 सितंबर को झारखंड के सारे पेट्रोल पंप 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। शुक्रवार को IMA सभागार में झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें, राज्य में करीब 1600 पेट्रोल पंप हैं। शनिवार से 1 सप्ताह तक सभी कर्मी काला बिला लगाकर कार्य करते हुए विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। यह जानकारी पेट्रोलियम डीलर्स के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। अशोक सिंह ने कहा है कि 17 अगस्त शनिवार से सभी पेट्रोलियम डीलर्स काला बिला लगाकर विरोध करेंगे। अगर राज्य सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आगामी 2 सितंबर को राज्य में 1600 से अधिक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। वन विभाग नियुक्ति मामले में JPSC और JSSC को बनाया प्रतिवादी। वन विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने JPSC और JSSC को प्रतिवादी मानते हुए 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। विधायक सरजू राय के हस्तक्षेप याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की अदालत ने यह निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए JPSC और JSSC को अधिसूचना भेज दी गई है। इस पर अदालत ने दोनों को प्रतिवादी मानते हुए यह बताने को कहा है कि नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है या नहीं, कब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अदालत ने सरकार से नियुक्ति नियमावली बनी है या नहीं, इस पर भी जवाब दाखिल करने को कहा है। राज्य के जनसेवकों को मिलेगा 2400 रुपये ग्रेड पे। राज्य के जनसेवकों के ग्रेड पे घटाने के सरकार के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रद्द कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को नियुक्ति की शर्त के अनुसार 2400 रुपये का ग्रेड पे ही निर्धारित रखने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि एक बार ग्रेड पे निर्धारित कर उसी अनुसार नियुक्ति हो जाने के बाद ग्रेड पे कम करना प्रार्थियों के अधिकारों का हनन होगा। अनूप कुमार एवं अन्य की याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि सरकार ने जनसेवकों की नियुक्ति वर्ष 2012 में की थी, उनकी नियुक्ति 2400 रुपये के ग्रेड पे पर कर दी गई थी। 10 साल बाद सरकार ने वर्ष 2023 में ग्रेड पे घटाकर 2000 रुपये कर दिया। रांची और आसपास में कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। रांची और आसपास के क्षेत्रों में रविवार को भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के ऊपर एक व्यापक निम्न दबाव बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह अगले 2 दिन में उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमी भाग से लेकर मानसून टर्फ रांची से होकर गुजर रहा है। इसके प्रभाव से राजधानी समेत राज्य के पूर्वी भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी में 26.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं राज्य के कुछ भागों में भी बारिश हुई है। झारखंड में नवंबर दिसंबर में होगा विधानसभा चुनाव। झारखंड की 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव समय पर इस वर्ष नवंबर दिसंबर में होगा। शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा किए जाने के साथ ही इस राज्यों के साथ तथा समय से पूर्व झारखंड में चुनाव कराने की अटकलें खत्म हो गई है। आयोग की लगातार सक्रियता को देखते हुए यह कयास लगाया जा रहा था कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के साथ होगा। चूंकि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पहले ही खत्म हो रहा है, इसलिए संभावना जताई जा रही थी कि झारखंड में समय से पहले चुनाव हो सकता है। बता दें, झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अब पूरी संभावना है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव नवंबर दिसंबर माह में महाराष्ट्र के साथ होगा। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। साथ ही झारखंड में दीपावली, छठ पूजा आदि पर्व त्यौहार 8 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तथा दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में चुनाव हो सकता है। झारखंड में शिक्षकों को मिलेगा सुनिश्चित पेंशन योजना का लाभ। अन्य राज्य कर्मियों की तरह सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक एवं प्लस टू स्कूलों के शिक्षकों को भी सुनिश्चित वृत्ति योजना MSCP का लाभ मिल सकता है। शुक्रवार को शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह के साथ हुई अंतर विभागीय समिति की बैठक में इस पर सहमति बनी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई इस बैठक में विभिन्न शिक्षक संघों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। बैठक में शिक्षकों को MSCP का लाभ लेने की शिक्षकों की मांग से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने कहा है कि झारखंड में शिक्षक बिना किसी वित्तीय उन्नयन के ही सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि राज्य सरकार के सभी कर्मियों को इसका लाभ मिल रहा है। झारखंड में 8 महीने में पूरा करे जमीन का सर्वे। झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस SN प्रसाद और जस्टिस AK राय की खंडपीठ में राज्य में जमीन का सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को राज्य के सभी जिलों में 8 माह में जमीन का सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को सर्वे की प्रगति रिपोर्ट बाद 8 सप्ताह में कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस संबंध में गोकुल चंद्र ने जनहित याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है कि राज्य में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। लातेहार और लोहरदगा में सर्वे पूरा हो गया है। सरकार ने कहा है कि सभी जिलों में जमीन का सर्वे पूरा करने में कम से कम 6 माह लगेंगे। इस पर अदालत ने सरकार को 8 माह का समय देते हुए प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। 23 अगस्त से होगा महिला पुलिस अधिकारियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर DGP अनुराग गुप्ता के नेतृत्व और दिशा निर्देश पर 23 व 24 अगस्त को महिला पुलिस अधिकारियों कर्मियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित होगा। बता दें, डोरंडा के जयपवन स्थित स्वर्य सभागार में यह आयोजन होगा। इसमें झारखंड पुलिस के सभी जिला इकाइयों में सिपाही, हवलदार, ASI, SI, इंस्पेक्टर व DSP स्तर की 200 महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी। इस सम्मेलन का थीम है महिला पुलिस सेवा सुरक्षा व सम्मान। इसमें महिला पुलिस को कार्यस्थल पर होने वाली परेशानी, आवश्यकताओं सहित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श होगा। इसमें महिला अधिकारियों की चुनौती, उपलब्धि व भविष्य की कार्ययोजना पर विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। सैनिकों, अग्निवीरों के आश्रितों को सरकारी नौकरी। राज्य सरकार सैनिकों व अग्निवीरों को विशेष सुविधा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य करते हुए वीर गति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिक व अग्निवीर के पत्नी अथवा आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव पर अब राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान वीर गति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिक के पत्नी व आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान के रूप में 10 लाख रुपये एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने का प्रावधान है। वही भारतीय सेना में वर्ष 2022 में अग्निवीर योजना लागू की गई। इस योजना के तहत भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में 4 वर्षों के लिए नियुक्ति प्रारंभ की गई है। अग्निवीरों को नियमित सैनिकों के अनुरूप ही देश की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है।
बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपई सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर राजधानी में शुक्रवार को कयास का दौर आरंभ हुआ। राजनीति गलियारे में अटकलें लगाई जा रही है कि चंपई सोरेन नाराज हैं और वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन फिलहाल हेमंत सोरेन सरकार में जल संसाधन विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। इन अटकलों के बीच उन्होंने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र सरायकेला में जल संसाधन विभाग के खरकाई लिफ्ट भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। उनके संदर्भ में लगाई जा रही अटकलों के संबंध में उनसे जब सवाल जवाब पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा है कि मेरे दिल्ली में होने की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं यही हूँ, अभी मेरा राजनीतिक जीवन लंबा है। उधर हाल ही में विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम का भाजपा में शामिल होना लगभग तय हो चुका है। झारखंड में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ मारपीट। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुक्रवार को मेल मेडिकल वार्ड में राउंड लगा रहे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सोमा उरांव के साथ मृतक के परिजनों ने मारपीट की है। इस दौरान डॉक्टर उरांव को हल्की फुल्की चोट लगी और उनका एक दांत टूट गया है। डॉक्टर ने अपना जूता आदि छोड़कर वार्ड से किसी प्रकार से भागकर जान बचाई। इसकी जानकारी मिलने के बाद वहां कार्य कर रहे डॉक्टर और इंस्टर्स आक्रोश में आ गए और मारपीट करने पर उतर गए। हालांकि लोगों के बीच बचाव करने के बाद आरोपी को पकड़कर केंद्रीय इमरजेंसी के एक कमरे में बंद कर दिया गया है। इसके बाद मौजूद डॉक्टर व इंस्टर्न के छात्रों ने इमरजेंसी सहित सभी सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया। बता दें कि मृतक की पहचान टाटी झरिया के झारपुर निवासी 70 वर्षीय गणेश राम पिता झुमन राम के तौर पर की गई, जिसे शुक्रवार की सुबह ही अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती किया गया था। देवघर में एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत। देवघर जिले के सुनाराय ठाठी थाना क्षेत्र के दोदिया गाँव स्थित पिपरा सोल टोला निवासी तीन बच्चों की हत्या कर लाश को बगल के डोभा में फेंक दिया है। तीनों बच्चे 15 अगस्त की दोपहर से ही गायब थे और उन लोगों का शव शुक्रवार की सुबह पुलिस ने डोभा से बरामद किया। परिजन का आरोप है कि तीनों बच्चों की हत्या कर शव को डोभा में फेंक दिया गया। तीनों बच्चों की लाश मिलने के बाद परिजनों व ग्रामीणों का आक्रोश फूटा। परिजन व ग्रामीणों को हो हंगामा करते हुए सुनाया थाना प्रभारी ललित खलखो को बंधक बना लिया गया। ग्रामीण एसपी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग कर रहे थे। मृतक बच्चों के परिजनों को बुलाकर एसपी ने घटना की जानकारी लेने के बाद सुनाराठी थानादार को निलंबित कर दिया है। गढ़वा के बभनी खान डैम में डूबने से तीन बच्चों की मौत। गढ़वा जिले के नगर उटारी नगर पंचायत क्षेत्र के बभनी खान डैम में डूबने से शुक्रवार की दोपहर में तीन बच्चों की मौत हो गई है। तीनों बच्चे जांगीपुर के उरांव टोला के रहने वाले थे। मृतकों में मानदेव उरांव का पुत्र सूरज उरांव 11 वर्षीय, नंदू उरांव का पुत्र मनीष मिंज 13 वर्षीय और स्वर्गीय उमेश उरांव का पुत्र चंद्रकांत कुमार 9 वर्षीय शामिल है। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है। धन्यवाद।